बोल कड़ाकड़ सीताराम। एक जंगल में एक गांव के सहारे जंगल था और गांव में एक महिला अपने बच्चे के साथ सो रही थी। गांव सन्नाटा था। एक जंगल से निकलकर भेड़िया आया और भेड़िए ने उसे सोती हुई महिला के पास से बच्चा उठाकर चला। महिला बीमार थी। कुछ देर में उसके जब होश आया, उसने कहा मेरा बच्चा कहाँ गया? तो बच्चे की आवाज़, बच्चा रोने लगा भेड़िया के मुंह में। गांव वाले बोले, अरे ये कोई बच्चा लेके जा रहा है। वो उधर तो महिला ने रोना शुरू किया, उधर बच्चे की आवाज़ सुन के गाँव वाले बच्चे भेड़िया के पीछे भागे। उधर बच्चा रोता हुआ जा रहा था भेड़िया के मुंह में, गांव वाले डंडा लाठी लेकर उसके पीछे पड़े। बच्चा बेहोश हो जाता है, रोना बंद कर देता है और गांव वालों को कहीं एहसास नहीं हुआ कि बच्चा कहाँ है, कहाँ जा रहा, भूल जाते। घूम फिर के चले आते, उधर भेड़िया घिरा हुआ अपने को जानकर एक झाड़ी के पास बच्चे को छोड़कर भाग जाता। गाँव वालों को बच्चा नहीं मिला रात के अंधेरे में तो गांव में लौट आते। उधर भेड़िया चला जाता है तो झाड़ी के पास में ही एक गीदड़ रहता था, उसका बिल था। गीदड़ के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे थे उसकी महिला के, और वो बिल में रहती थी। उसे भूख लगी, उसने अपने पति से कहा खाने का कुछ लाओ। गीदड़ लेकर के घर उसे अपने बिल से बाहर आता और पास की झाड़ी में बच्चे को देखकर बड़ा प्रसन्न होता है और खींच कर ले जाता है अपने बिल में। और बिल में जैसे ही खींच कर ले जाता है तो लड़की की आँख खुल जाती है। उसके बच्चे उसकी माँ का दूध पी रहे थे तो उस बच्ची का मुँह भी बच्चे के साथ उस दूधी से जाके लग जाता है। और दूध से जैसे मुँह लगता है तो माँ की करुणामयी ममता जाग जाती है और कहती है कि अब मैं इस बच्चे को नहीं खाऊंगी क्योंकि इसने मेरा दूध पिया है, मेरे बच्चे के समान है। उसे प्यार से उसे अपना दूध पिलाने लगती है। कुछ दिनों तक उसका इसी प्रकार से लालन पालन करती है। जब छोटे छोटे बच्चे उसके बड़े होते हैं, 10-15 दिन के बाद बिल से निकल कर बाहर चलते हैं और खेलने लगते हैं उधर, तो बच्ची भी उन बच्चों के साथ ही बाहर निकल कर बच्चों में ही खेलने लगती है। जैसे बच्चे चलते हैं उसके, वैसे ही वो चारों पैरों से हाथों से चलने लगती है। गीदड़ के बच्चों के साथ एक दिन खेलते खेलते दिन में जैसे भागी तो कुत्ते आने गए और वो सब भागने लगे। उधर ग्वालों की नजर पड़ी, गाय चरा रहे थे दिन में, तो बच्चे के पीछे दौड़े। वो लड़की को उन्होंने पकड़ लिया, गीदड़ के बच्चे तो भाग गए, लड़की को इतना दौड़ा नहीं गया तो ग्वालों ने उसे ले लिया। उन्हें कह रहे ये तो अमुक व्यक्ति की लड़की है जो गीदड़ ले गए थे, ये तो वही बच्ची है, गाँव में शोर हो गया, उसकी माँ को जाकर लड़की को दे दिया गया। कुछ समय बीता, उसे पाला पोसा, बड़ा हुआ, शादी के योग्य आई। तो एक दिन, जिस दिन शादी थी उससे एक दिन पहले ईख काट रहे थे गांव के कुछ लोग, उसी में गीदड़ और गीदड़ी जो उन्होंने बच्ची को रखा था वो भी छुपे हुए थे ईख में। तो आपस में लोग बात कर रहे थे कि जो लकड़बग्घा ले गया था, भेड़िया ले गया था लड़की की, कल शादी है भाई, कल उसका कन्यादान लेंगे, कन्यादान लेंगे। कन्यादान की बात सुनकर गीदड़ी के हृदय में भी जागृत हुई ममता और अपने पति से कहने लगी, वो हमारी बेटी है, हमने उसे पाला है, जब बाहर वाले कन्यादान ले रहे हैं तो हम भी कन्यादान लें। बोले तू कन्यादान कैसे ले लेगी, गांव में कन्यादान लेने जाएगी तो कुत्ते खा जाएंगे। उन्होंने कि हम संकल्प ले लेंगे, बाहर से रुक करके गांव के सहारे रुकेंगे, जब कन्यादान होगा तो हम भी संकल्प ले लेंगे। गांव के सहारे इसमें बैठ जाते हैं। जो नाई शोर मचाता है कन्यादान वालों को बुलाने के लिए तो वो कन्यादान शुरू हो जाता है। तो दोनों संकल्प लेते हैं कन्यादान का। क्या कहते हैं कि जहाँ तक हमने इस सीमा में रहे हैं उस सारी भूमि हमने अपनी कन्या को दान दी। ऐसा संकल्प लेकर दोनों पति पत्नी उस सीमा को छोड़कर चल देते हैं। काफी दूर तक चले जाते हैं, पूरी रात चलते हैं, तब कहते हैं भाई अब तो यहाँ तक, हम यहीं तक आए थे, हमारी सीमा खत्म हो जाती है। लेकिन नहीं, पत्नी कहती है यहाँ तक भी एक दिन खरबूजे खा गई थी। फिर चलते हैं, दिन निकल आता है, प्यास लगने लगती है, भूख तो थे ही पूरे दिन व्रत में रहे, रात ही निकल गई, दूसरा दिन आ गया, प्यास लगी। अब सीमा जब पार हो गई उनकी तो भाई पानी की तलाश में दोनों घूमे।
जंगल में एक गऊ की खुर में गऊ का मूत्र था, वहां से गऊ चर के गई थी, वो भरा हुआ था। उन्होंने कहा भाई अब ये जल है ये पियो। दोनों में इतना प्रेम था पत्नी में, तो पत्नी कहने लगी कि पहले आप जल ले लीजिए, व्रत खोलिए, तब मैं व्रत खोलूंगी, पतिव्रत का यही धर्म होता है। लेकिन पति के इतना प्यार करता था पत्नी से, उन्होंने कहा पहले तुम पी लो, उसके बाद में ही मैं लूंगा। तो कहते हैं कि जल थोरे निहागने लगे प्रीत के बाण, और तू पी कर मरे यो कर तजे प्राण। दोनों ने, किसी ने जल प्रेम में एक दूसरे के में नहीं पिया, दोनों ने प्राण त्याग दिए। कन्यादान के फल से जब चित्रगुप्त के यहाँ उनका न्याय हुआ तो कहा गया कि जो तुम वर मांगो सो पाओ, तुमने बहुत बड़ा पुण्य किया है पृथ्वी पर। लेकिन हमने क्या पुण्य किया महाराज, कि तुमने कन्यादान में पूरी पृथ्वी दान कर दी दोनों ने, उसके विपरीत जो भी फल चाहो तुम प्राप्त कर सकते। दोनों ने आपस में मशवरा करके कहा जो एक कन्यादान के फल से इतना फल हमें मिला है तो हम क्यों न बहुत सी कन्या मांग लें। तो उन्हें हाँ विचार करके कहा कि 60,000 कन्या मांग ली जाए। जब देव गति थी सरस्वती माता की कृपा से 60,000 कन्या के स्थान पर 60,000 पुत्र मांग लिए, तो दूसरे ढंग वही राजा सगर हुए, इनके 60,000 पुत्र हुए। कन्यादान का फल विशेष है, गौदान, गजदान, हाँ, और अश्वदान, भूमिदान, अन्नदान, शिक्षादान, और उसके बाद में सबसे बड़ा कन्यादान माना जाता है। बोलो कड़ाकड़ सीताराम।